कपिल शर्मा और सुनील ग्रोवर के बीच अब ट्विटर वॉर छिड़ गया है। दोनों एक दूसरे को दोष दे रहे हैं। दरअसल सुनील ग्रोवर ने ट्विटर पर एक फैन को जवाब दिया था कि वो कपिल के शो के लिए फोन का इंतजार करते रहे, लेकिन कपिल और चैनल की तरफ से उनको फोन नहीं आया, जिसकी वजह से उन्हें दूसरा प्रोजेक्ट साइन करना पड़ा। इस ट्वीट के बाद लोगों ने कपिल शर्मा को घेरना शुरू कर दिया। लोग ट्विटर पर कपिल को गलत बताने लगे, जिसके बाद कपिल का गुस्सा भी फूटा। कपिल ने सुनील के उसी ट्वीट पर जवाब देते हुए लिखा कि मैंने आपको 100 से ज्यादा बार कॉल किया, यहां तक कि मैं 2 बार आपके घर भी आया, लेकिन आप टालते रहे, कृपया लोगों में अफवाह ना उड़ाएं। फिर एक फैन ने सारी बात क्लियर करने को कहा, जिसके बाद कपिल गुस्से में आ गए और कपिल ने लिखा, सुनील झूठ बोल रहा है, मैंने 100 बार कॉल किया और अपने लोगों को उसके घर तक भेजा, यहां तक कि मैं शो के लिए खुद भी उसके घर गया, लेकिन अब मैं लोगों को अपने नाम का एडवांटेज नहीं लेने दूंगा, इनफ इज इनफ। फिर एक फैन के जवाब में कपिल ने कहा, उन्हें अब सुनील का सपोर्ट नहीं चाहिए, लेकिन अब कोई इस तरह की अफवाह ना उड़ाए, मैं इन सब बातों से थक गया हूं। फिर एक फैन ने कपिल से पूछा कि क्या आपने देसी शराब पी हुई है। कपिल ने हंसते हुए जवाब दिया, नहीं मेरे भाई, कभी कभी बोलना ही पड़ता है, नहीं तो लोग एडवांटेज ले जाते हैं। फिर एक फैन ने पूछा कि इस साल सुनील ने आपसे कोई कॉन्टैक्ट किया, तब कपिल ने लिखा, कभी नहीं। कपिल के इतने सारे ट्वीट के बाद भी सुनील की तरफ से अभी तक कोई रिएक्शन नहीं आया है, लेकिन इतना तो तय है कि अब दोनों में कभी सुलह की गुंजाइश नहीं बची। लेकिन कपिल के इन जवाबों से अब कपिल का पल्ला भारी हो गया है। आपके हिसाब से दोनों में कौन सच बोल रहा है? अपनी राय हमें कमेंट के जरिए बताइए और टीवी और बॉलीवुड से जुड़ी ऐसी ही अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।